नमस्कार, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ इंडिक ओवरलैंडर। आज हमारा बिष्णुपुर ट्रिप का डे टू है और हम सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके चार ऑटो किराए पे लिया और ऑटो करके हम अपना पहला डेस्टिनेशन पहुंच गया। ये है राष्ट्रमंच जो कि बिष्णुपुर की मेन अट्रैक्शन है। ये 1600 AD में राजा बीर हम्बीर ने बनाए थे। इस टेराकोटा स्ट्रक्चर का स्पेशलिटी ये है कि इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो पिरामिड का स्टाइल में बना हुआ है और सामने की जो एरिया है वो सारे चाला स्टाइल में बना हुआ है। इसका जो सीलिंग है वो चारों ओर से 40 पिलर और आर्च के ऊपर खड़ा है। पुराने टाइम पे बिष्णुपुर की सारे राधा कृष्ण की मूर्तियां यहाँ लाया जाता राज फेस्टिवल के टाइम पे, जो 1932 तक चला और उसके बाद से ये बंद हो गया राज फेस्टिवल यहाँ मनाना। फिर भी इट इज द बिगेस्ट अट्रैक्शन ऑफ बिष्णुपुर। इवन टुडे हूसोएवर कम्स टू बिष्णुपुर, this architectural marvel becomes their first place of visit during their Bishnupur trip। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि बिष्णुपुर में जो भी आते हैं पहला दर्शन वो राष्ट्रमंच की करते हैं। ये है घूमघर, कुछ हिस्टोरियन इसे प्रिजन कहते हैं तो कुछ कहते हैं ग्रैनरी। यह है प्रसिद्ध सामराय टेम्पल जिसे सन 1643 में राजा रघुनाथ सिंह ने बनाया था। ये प्रसिद्ध पंचरत्न आर्किटेक्चर पे बनाया गया एक अमूल्य टेराकोटा आर्किटेक्चर है। दिस इज जोर बंगला टेम्पल। दिस वॉज बिल्ट बाय राजा रघुनाथ सिंह इन द ईयर 1655। दिस स्ट्रक्चर रिजेंबल्स दो चाला विलेज हार्ट स्टाइल। द कर्विंग्स ऑन द वॉल्स डिपिक्ट एपिसोड्स फ्रॉम रामायण एंड महाभारत and other prominent holy Hindu scriptures. This temple not only attracts massive numbers of devotees, it also attracts students and archaeologists who are interested in ancient structures or ancient architecture. This is Radhesham temple, built in the year 1758 by King Chaitanya Singh of Mallabhum. This temple is an unique example of Ekaratna temple architecture which belongs to the Ratna style developed in the medieval Bengal. Yahan par Shri Krishna ke saath Radha Rani ka bhi poojan kiya jata hai। ये मंदिर अपनी सजावट के लिए जाना जाता है जो इस मंदिर के आसपास की दीवारों पे आपको दिखाई देगा। सजावट मुख्य रूप से दीवारों में सटे टेराकोटा का प्लग से बना हुआ है जिसमें आपको रामायण अनंत शयन पे श्री विष्णु और राधा कृष्ण की तरह तरह की मूर्तियां दिखाई पड़ेगा। यहाँ बाहर में एक नाट मंच भी है। लोकल लोगों की कहने के हिसाब से ये जगह पे पहले आरती हुआ करता था और कीर्तन भी हुआ करता था। फिलहाल तो सिर्फ एक स्मारक बन के रह गया। ये दुर्गा मंदिर है। दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ बिष्णुपुर, बिल्ड बाय राजा जगत मल्ला इन द ईयर 997 AD। अकॉर्डिंग टू द लोकल हिस्ट्री, महामृण्मयी ऑर्डर्ड द किंग इन हिज ड्रीम टू बिल्ड अ टेम्पल। यहाँ माँ दुर्गा मृण्मयी रूप में पूजे जाते हैं। यह है डोकरा आर्ट। ये डोकरा आर्ट हमारे बांकुड़ा की स्पेशलिटीज है, बांकुड़ा बिष्णुपुर का। अब देखिए हाउ दिक्कत का
দাদা আপনার নাম কি? বাদল চক্রবর্তী। বাদল চক্রবর্তী মহাশয়ের দোকানে এসেছি আমরা। কি সুন্দর, এটা মৃন্ময়ী মন্দিরের ভেতরে, চত্বরের ভেতরেই আছে দোকানটা। Look at the precision of the work. Everything is so precise. देखिए माँ दुर्गा की डोकराहट। ये जो 62 राजाओं ने यहाँ पर राज गद्दी संभाला, ये उनमें आखिरी राजा थे। He is the last king of the डायनेस्टी। इनकी जन्म हुआ था 1908 साल में और इनका राज्याभिषेक हुआ था 1930 में और इनकी देहांत हुआ 1983 साल में। महाराजा श्री श्री कालीपद सिंह ठाकुर। ये है महाराजा बीर हम्बीर उद्यान। महाराजा हम्बीर मल्लदेव, पॉपुलरली नोन एज महाराजा बीर हम्बीर, वॉज द 49th किंग ऑफ मल्लभूम। एंड ड्यूरिंग हिज रेन वैष्णविज्म बिकम द प्रीडोमिनेंट कल्ट इन दिस लैंड। ये है राजबाड़ी जाने का अनुमति द्वार। ये है प्रवेश द्वार। राजबाड़ी का प्रवेश द्वार। Namaskar, my name is Partho Mitra and you are watching Indic Overlander। हमारा बिष्णुपुर का ट्रिप का खत्म, अभी हम होटल से निकल रहे हैं। ये होटल चेकआउट कर लिया और हम घर की ओर, कलकत्ते की ओर निकल पड़े हैं। रास्ते में कहीं रुकेंगे और कुछ खाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सो आज का वीडियो में जो भी कुछ दिखाने लायक होगा आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम तो याद है, हम राइट में घुसे थे, हमें तो ऐसा ही याद पड़ रहा है। तुम गूगल लगाओ, एक एक सेकंड रुको 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 रुको, मैं लगाता हूँ। কোন দিক দিয়ে এসেছিলাম? সোজাই এসেছিলাম, রাইট দিয়ে এসেছিলাম না? একদম রাইট টাইমে আমার ম্যাপ খুলেছে। ঠিক আছে, এটা আমি পরে সেট করছি। This route avoids a road closure on National Highway 19. You are on the fastest route. You should reach your destination by 1440. I'm going to look for stop road. Bye bye Vishnupur. Bye bye Vishnupur. Tata. Bye. Bye bye. Make a slight right onto Vishnupur Arambagh, Vishnupur, Patrasaya Road, State Highway 2. अभी हम आ गए तीन हम के रोड में।
हर जगह पे तीन तीन हम्प है। फिर वही जंगल है दादा के बीच कोई एक पुलिस दादा के बीच कोई দাদা এখানে একটা সেই পুরোনো দিনের রানওয়ে আছে সেটা কোথায়? হ্যাঁ একটা পুরোনো দিনের রানওয়ে আছে না ব্রিটিশ আমলের রানওয়ে প্লেন নাম তো যেখানে আগে সামনে যে ওটা সেই ক্যানাল পড়বে হ্যাঁ একটা পুলিশ ক্যাম্প ইয়ে মতো আছে ওখানে পুলিশ আছে পুলিশ আছে হ্যাঁ ওখানে ডান দিয়ে ঘুরে যাবে আচ্ছা যাওয়া যাবে ওখানে হ্যাঁ রাস্তা আছে চাতাল বলে চাতাল বলে বাইরে দেখো আচ্ছা থ্যাংক ইউ হট করে জানলা তুলে দিচ্ছ না বলে কি হয়েছে আর বুড়ো বয়সে কোথায় ভালো বুড়ি ও যখন যাওয়ার সময় ছিল তখন তো যেতে পারি আটকে রেখেছি কাকু তোর বাবার জন্য একটা নতুন মা খোঁজ তো তোর বাবা তোর মাসি বলেছে আমি পুছরে কে কে হুয়া হ্যালো তোরা দেখো আমি জানে দে একটু রাস্তা একটু রাস্তা হ্যাঁ ওয়া পে সারা দিন বুঝতে কোশিশ কর রে ব্রিটিশ আমল কা কি জানান বে তোর দেখো আগে জানে দে सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रनवे है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रंग राणा को मैं फोन कर रहा हूं राणा भी लाइक मैं तो अभी रन कर रही हूं तुम लोग के सामने से अरे ये सब तो अरुणेर गान सुने छो की वो पर अच्छा होता है झगड़ा मत करो इतना सुंदर कॉलेज से लेट्स एंजॉय द व्यू आई एम लविंग द व्यू वो से मुझे अच्छा पोकेमोन देख Sound right, boys.
sound right, boy. रिकॉर्ड तो रहा है ना, हाँ बोला पर बीच बीच में बंद क्यों हो जा रहा हूँ? मंडी क्यों नहीं आई यहाँ तक का? तीनों गाड़ी खड़ा करके फोटो खींचेंगे। मुझे वही फोटो शूट नहीं करना, मैं गाड़ी में बैठी हूँ, तुम लोग उधर से उतरो। उस पर से उतरो। कैसे उतरे उस पर से? ये वाला जीप नहीं होता है। नहीं ऐसे नहीं होता है। We're at the British, ancient British airbase at Vishnupur, Jaipur jungle के अंदर में है ये, जहाँ पे हम लोग आए हैं घूमने के लिए। ये देखिए चारों ओर जंगल है और ये है एयरबेस, उसके अंदर में भी काफ़ी सारी पेड़ पौधे उग गया है। इट्स अनयूज्ड, इट्स नो मोर बी इन यूज, बट इट इज़ ए ब्रिटिश मेड वर्ल्ड वॉर टाइम का एयरबेस है। दरजा खोला डैडी, दरजा खोला डैडी, दरजा खोला। अरे पापा को आवाज आ रहा है, गाड़ी में टूटू बच्चा है। दरवाजा खुला है। डैडी का, डैडी का बेड लगाओ, तुम बेड लगाओ नहीं बापू देख कैसे भागा रहा है। गाड़ी देख गिरे प्लास्टिक का बैग था बाबू मासी के कचरा फला बैग था बैठा
हम रुके हैं जस जयपुर जंगल के पहले बनोलता रेस्टोरेंट पे खाने के लिए। ये है बनोलता रेस्टोरेंट। अच्छा, दिखने में तो अच्छा लग रहा है। ये हमारी एक गाड़ी, ये हमारी यहाँ पे, और तीसरा वो है, बच्चे लोग ऑलरेडी जा रहे हैं। चेक द माइक एंड मेक श्योर इट साउंड राइट बॉयज। अभी एक नदी आ रहा है, कौन सा नदी ये देखना पड़ेगा, कौन सा नदी है। ये तो मैं पहले ही थैंक यू बोल दिया। हुगली जिला परिषद, किंतु नदीटार नाम बुझते पारलाम ना।
हम यहाँ पे रुके थे फिल्टर कॉफी पीने के लिए। दादू के बाजू में जाके खड़े हो गए, ज्यादा ज़ूम नहीं हो गया दादू के लिए। ये हमारी पलटन अभी दुकान से निकल रहे हैं। ये देखो आ रहा है पलटन हुआ। कोई कहीं फिर मिठाई का दुकान पे भी क्या कर रहे हैं। लग रहा है सब लांचा देखने गए हैं। तो गए हम कोलकाता। अरे भैया कोलकाता ये मैंने ऐसे काट दूंगा। सो वी रीच्ड कोलकाता क्रॉसिंग जूहू नेशनल लाइब्रेरी मूविंग टूवर्ड्स मेरा घर। अभी 10-15 मिनट और लगेगा जब पहुंच जाएंगे अपना घर। छोटा सा ट्रिप था, वीकेंड ट्रिप एट बिष्णुपुर द सिटी ऑफ टेम्पल्स। बहुत सारे टेम्पल देखे, माँ छिन्नमस्ता का मंदिर में दर्शन किए, पूजा दिया। मेरे सासु माँ का इच्छा था देखने की तो उनका भी दर्शन हो गया, उन्हीं के कारण इनफैक्ट हम लोग सब गए थे पूरे फैमिली। अभी जो अपना अपना घर सब लौट गए, मैं भी अपना घर लौट रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सीरीज आपको अच्छा लगेगा। ये मेरे ख्याल से 2 वीडियो में आएगा या 1 वीडियो में, जो भी है जैसे भी हो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। रूरल बंगाल बेस्ट एक्सपीरियंस। हाँ आज का बेस्ट एक्सपीरियंस था हमारा वो ब्रिटिश एरोड्रम में जाना। हाँ आज का बेस्ट, लिटरली बेस्ट। अच्छा तुम फेल लोगे बोल रहे थे, नहीं लोगे अभी। अच्छा बेस्ट एक्सपीरियंस मैं बता रही थी, बेस्ट एक्सपीरियंस वाज टू reach the British Airways which was used in they say in the World War II, and while driving to that particular location we saw patches of I think then it was a part of the airport, but then when we reached the airport the runway it was the best experience. We just drove over the runway for 2 times actually. 2 rounds we took. I did a lot of photography and a little bit of off-roading experience there, and beautiful forest. And Partha, you can continue talking whatever you have to say to your viewers. So as Rita said, that particular journey from जयपुर जंगल का जो मेन रोड था, मेन रोड से जब हम डिटूर किया फॉर दैट एंशियंट ब्रिटिश एयरवेज देखने के लिए, उसमें एयरवेज ही लिखा हुआ था वहाँ पे। इट्स बेसिकली एयरफील्ड व्हिच वाज यूज्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर। तो वो अभी डिफंक्ट है, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसका कोई यूटिलिटी नहीं है आज के डेट में। स्टिल इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी, सो इट इज नॉट मेंटेन्ड बट इट इज प्रिजर्व्ड एज एन एंशियंट यू नो एयरबेस। तो जगह बहुत सुंदर है, पहुंचने की जो रोड है वो भी बहुत सुंदर था, नैरो पैचेस बट वेरी सीनिक। चारों तरफ हरियाली हरियाली,
और जब हम लोग रानवे में पहुंचा वो दैट वाज अ रियल अमेजिंग एक्सपीरियंस। एक बार और डेफिनेटली वहां जाके कैंपिंग करने का इरादा रख रहा हूं कि कभी मौका मिलेगा तो जाऊंगा और कैंपिंग करूंगा एक रात के लिए। और इट वाज अ ग्रेट ट्रिप, ग्रेट फैमिली ट्रिप, सेकंड फैमिली ट्रिप इन अ स्पैन ऑफ 15 डेज आई बिलीव, विद इन अ स्पैन ऑफ 15 डेज। हम पिछले जो गया था इधर सुंदरबन 15 दिन नहीं होगा मेरे ख्याल से। अच्छा 15-20 दिन, उससे ज्यादा नहीं होगा। सो आई वुड से ओके लेट मी करेक्ट इट, विद इन अ स्पैन ऑफ 1 month दिस इज अ सेकेंड फैमिली ट्रिप। उम्मीद करता हूँ कि आपका ये वाला ट्रिप अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर कीजिए और आपका प्यार हमारे चैनल के ऊपर बरसाते रहिए ताकि हमारी सब्सक्राइबर बेस बढ़े और